देख रहे हैं छावनी इलाके में कैंटोनमेंट में G20 देशों के झंडे लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दृश्य दिखाते हैं बनारस का। देख रहे हैं छावनी परिषद, यहां पर जबरदस्त साफ सफाई के बाद तैयारी की गई है। सम्मेलन की शुरुआत 17 अप्रैल से हो चुकी है और बनारस में तैयारी लगभग पूरी है और कहीं कहीं कुछ तैयारी वो भी चल रही है, क्योंकि अभी पहला चरण अभी कंप्लीट हुआ है और अभी 5 और सम्मेलन होने हैं। आज तारीख की बात करें तो आज 18 अप्रैल है। दिन है मंगलवार का। सामने में ही ताज होटल है। ये आप देख रहे हैं इस तरफ बाएं तरफ ताज होटल। यहाँ की तैयारी साफ सफाई, दोनों डिवाइडर पर हरे भरे पौधे, गमले और ये बोर्ड के माध्यम से ये काफ़ी खूबसूरत दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 200 देशों के यहाँ पर झंडे किनारे से लगे हुए हैं। बिल्डिंग देखेंगे तो बिल्डिंग को एक ही रंग में रंगा गया है, दोनों तरफ की बिल्डिंग जितनी इमारतें हैं। चलिए आपको राजघाट की तरफ वहां तक ले चलते हैं और दिखाते हैं रास्ते में किस प्रकार की तैयारी है। देख रहे हैं ये है
अंधरा पुल एक तरफ चला जाएगा चौका घाट और दूसरी तरफ चला जाएगा ये आपका पांडेपुर के लिए। सीधे चले जाएगा आपका सामने राजघाट के लिए और यहाँ कभी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ काफ़ी गंदगी रहती थी इस फ्लाईओवर के नीचे, ख़ास करके इस जगह पर, लेकिन अब देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इसको सजाया हुआ है और ये सड़क मार्ग सीधे चले जाएगा आपका राजघाट के लिए। इस मार्ग को भी सड़कें यहाँ काफ़ी चौड़ी हैं और पूरा नमो घाट तक इसको अच्छे से बनाया है। पोल्स पर पूरा सिल्वर पेंट किया हुआ है, सड़कों में मार्किंग कर दी गई है और डिवाइडर में पेंट और बिजली के तार भी अनावश्यक जो इधर उधर लगे हुए थे सबको दुरुस्त कर दिया गया है। यह आपका चौका घाट, डिवाइडर में आपको पूरा पेंट मिलेगा और डिवाइडर पर ही रेडियम लगा दिया गया है। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं काफी साफ ये जगह दिखाई दे रहा है। इमारतें देखेंगे तो एक ही कलर की है दोनों तरफ की, फोर लेन सड़क है ये। आगे में सिटी रेलवे स्टेशन और उससे आगे आपका राजघाट काशी रेलवे स्टेशन। सड़क मार्ग की फिलहाल जितनी तारीफ की जाए बिल्कुल सही है। यहाँ देख रहे हैं, हाँ सफाई भी चल रहा है। दोपहर के करीब 3:30 बजने वाले हैं और ये मार्ग कुछ इस प्रकार का दृश्य है। रात के समय में सभी पोल्स पर लाइट लगे हुआ है, रंग बिरंगी लाइट जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। जितने भी अवैध रूप से ठेला खोमचे वाले यहाँ बैठे रहते थे सबको हटा दिया गया है।
ये आप देख रहे हैं चौका घाट। आगे की तरफ चला जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के लिए। और यही रोड सीधे राजघाट पुल पार करके मुगल सराय की तरफ चला जाएगा। जगह देख रहे हैं ये है कचाकपुरा फ्लाईओवर, जिसकी फिलहाल अभी तैयारी चल रही है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ ये सब बाउंड्री वॉल नया लगाया गया है और उस पर चित्रकारी की गई है। ये फ्लाईओवर अभी पूरा अच्छे से अभी बना नहीं है, लेकिन साफ सफाई करके इस मार्ग को मेंटेन किया गया है। यहाँ देखेंगे तो ये भी फ्लाईओवर पिलर्स फिलहाल पेंट कर दिया गया है। चौकी लाट भैरव, इस रेलवे अंडरपास के दोनों तरफ घास लगाया हुआ है और एक तरफ G20 भी लिखा हुआ है लोगो उसका। काफी साफ सफाई इस इलाके में। जैसे ही इस तरफ आएंगे आप तो यहाँ भी एक से एक आपको खूबसूरत चलिए आपको यहाँ का भी दृश्य दिखाएं। ये आप देख रहे हैं G20 लिखा हुआ है, इधर लोगो है और एक तरफ जिराफ बना हुआ है, मोर बना हुआ है, डायनासोर बना हुआ है और काफी सजावट की गई है फिलहाल इस तरफ। ये आप देखेंगे तो इधर है डायनासोर, काफी खूबसूरत दृश्य है ये सभी।
चलिए उस तरफ का भी आपको दृश्य दिखाएं, और इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये आप हाथी बना हुआ है, खूबसूरत तरीके से एक आर्टिफिशियल घास पर इस प्रकार हाथी को बनाया गया है। और इस तरफ दिखाऊं तो ये है G20 का लोगो यहाँ पर। घास भी यहाँ पर लगाया हुआ है, यानी कि काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। फिलहाल संभाल के रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ये गर्मी में ख़राब हो जाएगा बहुत जल्द। ये आगे चल जाएगा आपका राजघाट के लिए, नमो घाट के लिए। देखना सामने चला जाएगा सीधे राजघाट के लिए। ये आप देख रहे हैं ये है राजघाट पुल। अंग्रेजों के समय का बना ये राजघाट पुल। ट्रेन के लिए है और ऊपर में आपका फोर व्हीलर के लिए, दोनों प्रकार के रेल और गाड़ियों के लिए इस पुल पर सुविधा है। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।